नमस्कार, मैं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा आस्था न्यूज। सूरतगढ़ श्री सिमेंट बागर सीमेंट प्लांट के आगे 25 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना हुआ आरंभ। आपको बता दें कि श्री सिमेंट बागर सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों ने गेट नंबर 4 के आगे धरना प्रदर्शन जारी कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर विज्ञापन भी दिया था, लेकिन मैनेजमेंट अधिकारी भटनागर ने इसे हल्के में लिया और जो मजदूरों के साथ वार्तालाप भी विफल रही थी। बता दें कि चुनावी दौर के चलते माहौल गरमाया हुआ है और आज सुबह से श्याम सुंदर अध्यक्ष थर्मल व कांग्रेस पार्टी के वेद प्रकाश कड़वासरा ने भी मजदूरों के बीच पहुंचकर मांगे मनवाने का विश्वास दिलाया। 25 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन में हमने मजदूरों के लिए जो मांगे उस संबंध में है, लेकिन हमने 2-4 बार इन्होंने हमारे से वार्ता की है, लेकिन कोई हमें सही जवाब नहीं दिया है। और दोबारा हमने फिर 23 तारीख को फिर इनको ज्ञापन दिया था, अल्टीमेटम दिया था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम 29 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। और इस वजह में हमने धरना लगाया है और ये आंदोलन हम जब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी प्रशासन मांगे नहीं मान ले। और ये मांगे हमने कोई अलग नहीं मांगी है, और प्लांटों में चल रही है वही मांगे हमने मांग की है। ब्यावर और राज प्लांट में और श्री सीमेंट के वो प्लांट है, वहाँ पे मजदूरों को जो ये सुविधा दे रहे हैं वही सुविधा हम मांग यहाँ कर रहे हैं।